नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। देवास मंगलवार की शाम स्टेशन रोड के नज़दीक एक दो मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था। देर रात NDRF के रेस्क्यू में एक युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन 10 माह का बच्चा और युवती दोनों की मलबे में दबने से मौत हो गई। शुरुआती दौर के रेस्क्यू में पुलिस और नगर निगम की टीम ने 9 लोगों को सुरक्षित निकाला था। रात में भोपाल से NDRF की टीम ने आकर मोर्चा संभाला और देर रात रेहान नाम के एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन दुर्भाग्य से इस दुर्घटना में 2 की मौत हो गई। पुलिस कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिमरस पिता फिरोज उम्र 23 वर्ष और आहिल पिता आदिल शेख उम्र 10 माह के मलबे में दबने से मौत हो गई। देखिए, ये पूरे सभी लोग थे, न सिर्फ नगर निगम था, पुलिस भी थी और प्रशासन के भी लोग थे। इनफैक्ट आप लोग भी थे, आप में से भी कई लोगों ने बहुत मदद करी है। भगवान की कृपा है कि हम लोग इनको निकाल पाए हैं और एक बच्चा तो बहुत ही सकुशल निकला है। बाकी के इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल में भेजा है, देखते हैं वहाँ क्या स्थिति बनती है। सर, क्या साइज मकान की थी और किस टाइप से मकान था ये? और जो अभी प्रारंभिक रूप से, चूंकि हमने भी जो देखा है, तो मैंने भी टूटा हुआ मकान ही देखा है, उसके पहले तो नहीं देखा था, बिकॉज ये बैक साइड में मकान पड़ रहा है, आप लोग जान रहे हैं। लेकिन फिर भी जो पता है, 2 मंजिला मकान था और निश्चित रूप से इसका जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी, इसके कारण ही ये गया है। कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग फॉल्ट इसको बनाने में इन लोगों ने करा होगा, और पिछले 2-3 दिनों पहले जो बारिश हुई है उसका भी इसमें कुछ ना कुछ रोल प्ले हो सकता है। सर, पूरे रेस्क्यू में कितना समय? देवास में ऐसे जर्जर मकान को चिन्हित किया गया है क्या? और देखिए, ये जर्जर मकान नहीं था, चूंकि ये 5-6 साल पहले ही बना है। मेरी जो मकान मालिक है, उनसे मेरी बात हुई थी जब मैं आया था। सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा था कि आपने कब मकान बनाया था, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि सर 5-6 साल पहले हम लोगों ने